ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 14 जुलाई 2020 मंगलवार का दिन है। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है और श्रावण माह का मंगलवार होने से मंगला गौरी व्रत इस दिन किया जाएगा। अश्विनी नामक नक्षत्र तथा मेष राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा में रहेंगे, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी साबित होगा। यदि किसी कारणवश उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो गुड़ खा करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहुकाल जो कि दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव मिथुन राशि में, चंद्रमा मेष राशि में, मंगल ग्रह मीन राशि में, बुध मिथुन राशि में, देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र वृषभ राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहु मिथुन व केतु धनु राशि में विराजित रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक और धनु, ये 7 राशियां महाभाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए सबसे खास साबित होगा। इनको कार्यक्षेत्र में उन्नति और प्रगति होने का भी संयोग है। इसके अलावा नई खुशखबरी इनको प्राप्त होने वाली है। घर में शुभ और मांगलिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि 12 राशि वालों को क्या खास उपाय करना है तथा इनके भाग्यशाली अंक क्या रहने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपको कामकाज में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी लेकिन आनंद आएगा और किए गए कार्यों से आपको फायदा होगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपको होगी। मेहनत से अपार सफलता आपको प्राप्त होगी। दिन भर उत्साह और आत्मविश्वास बना रहेगा। मन में शांति होने के कारण ज्यादातर परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाएगी। दिन अच्छा है। भावनाओं और उद्देश्यों को लेकर आप बहुत उत्सुक रहेंगे। लोगों के साथ संपर्क और चर्चा होगी। आपकी हर कोशिश सफल हो जाएगी। किए गए कार्य आपके लगातार पूरे होते जाएंगे। और उपाय के रूप में यदि आप माँ दुर्गा के मंदिर में सिंदूर चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। आप खुद को संभाल ले, आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है। नौकरी, व्यवसाय या किसी आदत में कोई अच्छा बदलाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का फैसला करने के पहले अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य करें। आप दूसरों की मदद करने का कोई मौका न चूके। सफलता और धन लाभ के छुपे हुए अवसर आपको मिल सकते हैं। अधिकारी या बड़े बुजुर्गों से खास मामलों पर आपकी चर्चा होगी। सोचे हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे। उपाय के रूप में यदि आप माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर एक नारियल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। किसी खास योग्यता के कारण आपको सम्मान मिलेगा। नए विचारों और नए तरीकों से आप काम करेंगे, इसमें आप फायदे में रहेंगे। सोचे हुए काम पूरे हो जाएंगे। आपको सफलता प्राप्त होगी। अच्छे दोस्तों के साथ आपका समय व्यतीत होगा। दिन अच्छा है। कामकाज के लिए बहुत ऊर्जा रहेगी। मानसिक तौर पर आप बहुत सक्रिय रहेंगे। आपके चेहरे और मन में एक चमक सी बनी रहेगी। आप किसी भी बाहरी चीज पर भरोसा करने के बजाय सिर्फ खुद पर ही भरोसा करें। आज आप जितने चुप रहेंगे उतने ही फायदे में रहेंगे। और उपाय के रूप में गणेश जी को बेसन के लड्डू चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 1 होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। ज्यादातर मामलों में सफलता मिलने का योग है। आपकी मेहनत रंग लाएगी, उससे आपको फायदा होगा। किस्मत का साथ मिलेगा। कामकाज में सफलता के लिहाज से दिन बहुत अच्छा है। आपसे कोई गलती होती हो तो उस पर अफसोस करने के बजाय सबक लेने के बारे में सोचे। खुद पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। नौकरी धंधे के लिहाज से दिन आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन इससे फायदा आपको ही होगा। आपके मन में किसी न किसी प्रकार का कन्फ्यूजन यदि चल रहा है तो वह बातचीत से दूर हो जाएगा। आप अपने मन की बात बहुत अच्छे से सामने वाले के सामने प्रकट कर सकते हैं। संतान पक्ष से अच्छी खबर आपको मिल सकती है। और उपाय के रूप में यदि आप अपने घर के मंदिर में पीला फूल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा।
अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। कोई व्यक्ति आपसे मदद प्राप्त करने का प्रयास करेगा, उसका सहयोग आपको करना चाहिए। समय के साथ चले जो काम आप करना चाहते हैं या जो आपकी योजना है उसके बारे में आपको जल्द ही कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। छोटी मोटी परेशानियां सुलझ जाएगी। किसी विषय में हैरानी या परेशानी महसूस यदि आप कर रहे हैं तो उसका समाधान भी आपको प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा धैर्य रखें, बहुत से मामले आपके फेवर में रहेंगे। किसी उलझन भरी स्थिति का कोई न कोई समाधान परिवार के सदस्य के जरिए मिलेगा। कोई नया काम हाथ में लेने के पहले अच्छी प्रकार से सोच विचार अवश्य करें। आप अपनी बात साफ साफ बताएं, तनावपूर्ण मौके पर संतुलन बैठाने में आप सफल हो जाएंगे। आपकी प्लानिंग आज सफल हो जाएगी। रोजमर्रा के काम जल्द ही आपके पूर्ण हो जाएंगे। और उपाय के रूप में यदि आप अपने छत के ऊपर पक्षियों को दाना डालेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। दिन आराम से व्यतीत होगा। कोई खास काम या चुनौती आपके लिए नहीं होगी। काम के सिलसिले में कहीं आपको जाना भी पड़ सकता है। मेहनत भरा दिन रहेगा। जितना हो सके पॉजिटिव रहे। आप उन चीज़ों को लक्ष्य बनाए बैठे हैं जो अव्यवहारिक है। कई स्थितियां आप नेतृत्वकारी भूमिका में निभाएंगे। कुछ खास फैसले आपको करने पड़ेंगे। सोच विचार के लिए समय अवश्य निकालें। आज आप लोगों की भलाई के लिए कोई ना कोई काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ही बड़ा फायदा होगा। ऑफिस में साथ काम करने वाले लोगों के साथ मतभेद होने का योग बन रहा है, इसलिए किसी से विवाद न करें। शांति और धैर्य आपको बनाए रखना चाहिए। और उपाय के रूप में यदि आप भगवान गणेश जी के मंदिर में गुड़ चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आज आप जो पहल करेंगे या नया कदम उठाएंगे समय आने पर उसके अच्छे नतीजे भी आपको मिलेंगे। आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि सोचे हुए काम आप करते जाएं। अपने महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बनाकर तैयार करें और उन पर आपको ध्यान देना चाहिए। खुद को किसी से कम न समझे। आप जो समझेंगे जो सोचेंगे वह आसानी से कर पाएंगे। ज़्यादातर महत्वपूर्ण मामले टल सकते हैं लेकिन उससे आपको ही फायदा होगा। घर के बाहर के मामलों में आपकी महत्वाकांक्षाएं प्रबल रहेगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। पैसों के मामलों में आप बहुत उदार हो सकते हैं। वाहन, स्थायी संपत्ति या कोई भी नया सामान खरीदने के विषय में आप विचार कर सकते हैं। आपको किसी कठिन स्थिति का सामना भी करना पड़ेगा। परिवार में हर तरह की उलझन भरी स्थिति का सामना आप कर पाएंगे तथा इन समस्याओं में समय और ऊर्जा काफी खर्च होगी, लेकिन आप अपनी बुद्धिमत्ता से उलझे हुए सारे मामले सुलझा सकेंगे। और उपाय के रूप में यदि आप भोजन के बाद एक कोई भी मीठी वस्तु खा लेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आप जो भी काम निपटाना चाहते हैं अपनी बुद्धिमत्ता और फुर्ती से आप निपटा पाएंगे। सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप काम करेंगे। आत्मविश्वास आपका अच्छा बढ़ा हुआ रहेगा। कोई नई जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। परिवार और पैसों के मामले में आप व्यस्त रहेंगे और धन लाभ का योग है। आप सिर्फ अपने मन पर भरोसा रखें। किसी रिश्तेदार के स्वभाव या व्यवहार के बारे में बहुत कुछ बातें आपको समझ में आएगी। दूसरों की बातें सुनना और समझना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। सकारात्मक मन रखने की कोशिश करें। मेहनत और यात्रा आपको अधिक करना पड़ेगी। धैर्य आपको बनाए रखना चाहिए। और उपाय के रूप में यदि आप गाय को एक रोटी खिला देंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 7 होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। कोई काम पूरी तरह नए सिरे से करने का आप मन बना सकते हैं। कुछ कार्यों में आपको योजनाओं के साथ परिवर्तन करना पड़ेगा। नए लोगों से मुलाकात होगी। जो मुलाकात होगी वह आगे चलकर के फायदेमंद साबित होगी। कोई नया व्यापार, नई नौकरी के बारे में आप विचार विमर्श कर सकते हैं। आर्थिक मामलों पर भी आप विचार विमर्श करेंगे और नए नए आइडिया आपको मिल सकते हैं। हालांकि आपकी इनकम सामान्य रहेगी। मकान और भूमि संबंधी काम पूरे होने का योग है। कोर्ट कचहरी मामलों में सफलता आपको प्राप्त होगी। नौकरी धंधे की पुरानी परेशानियां आपकी समाप्त हो जाएगी। और उपाय के रूप में यदि आप भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। अपने काम को पूरा करने पर आपको ध्यान देना होगा। कोई काम जो किसी कारण रुका हुआ है वह पूरा हो जाएगा। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। कोई काम आपके सोचे हुए ढंग से नहीं हो पाता है तो थोड़ा धैर्य रखें, चिंता न करें। समय आने पर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी बातचीत होगी जो आपकी परेशानियों को लगभग कम करेंगे या समाप्त भी कर सकते हैं। और उपाय के रूप में शंकर भगवान के मंदिर में यदि आप एक बिल्व पत्र और कच्चा
दूध चढ़ाएंगे तो आपका दिन सफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कोई भी काम हो आप धैर्य रखें और शांति से काम करने का प्रयास करें। मन की चिंता के बारे में किसी भरोसेमंद व्यक्ति से चर्चा करें। आपको हर तरफ से मदद मिलेगी। जो काम आपको कठिन या असंभव लग रहा है वो आपके आसानी से पूर्ण हो जाएंगे। कोई न कोई रास्ता ऐसा मिलेगा जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और साथ ही आप गूढ़ रहस्य या राज की बात जानने के लिए बहुत उत्सुक रहेंगे। और कोई भी काम आपके द्वारा ऐसा होगा जिससे लोगों को जो है एक नई सीख मिलेगी और आपके कार्यों को सराहा जाएगा। आपकी प्रशंसा होगी। मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी आपको होने वाली है। और उपाय के रूप में यदि आप माँ दुर्गा के मंदिर में लाल रंग का फल चढ़ाएंगे तो आपका दिन सफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आज बनाई गई योजनाओं और लिए गए फैसलों से आने वाले दिनों में फायदा होगा। कुछ समय बाद बदली हुई स्थितियों को आप सुधार पाएंगे। पढ़ाई लिखाई में आपको फायदा होगा। अनजान लोगों के साथ बातचीत करने या व्यवसाय करने का अवसर आपको मिलेगा। कोई व्यक्ति आपको राज की बात बता सकता है जिससे आपका मन का बोझ हल्का हो जाएगा। और उपाय के रूप में यदि आप केसर वाला दूध शंकर भगवान को चढ़ाएंगे तो आपका दिन सफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।